हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ अंशली वर्मा, और एक बार फिर से स्वागत है आपका सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे थे बीएड सेकंड सेमेस्टर की पेपर फर्स्ट एंड सेकंड की, जो कि हमारा पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल काफ़ी कुछ जाना था कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमें क्या क्या उनको स्टडी करना है। देन आज हम लोग मेन लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट को कवर किया है। फर्स्ट यूनिट का जो है आपकी, वो है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो कॉमर्स का हमारे नेचर क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है, और उसका नेचर क्या है, उसका मीनिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, डोमेन्स क्या हैं उसके, एंड कॉन्टेम्प्रेरी जो एकेडमिशियन है या कॉन्टेम्प्रेरी जो एजुकेशन है, समसामयिक शिक्षा में कॉमर्स शिक्षा का क्या महत्व है, उसका क्या भूमिका है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। जो ये फर्स्ट यूनिट है, इसको हमने टोटल 6 लेक्चर में डिवाइड किया है और अलग अलग टॉपिक हमने रखे हैं। जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हमने मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स अमंग वेरियस सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन। तो फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि इस लेक्चर में, हम लोग कवर करेंगे मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, राइट। देन सेकेंड लेक्चर में, जैसे जैसे हम लोग लेक्चर आगे करते जाएंगे, वैसे वैसे हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। ये जो यूनिट फर्स्ट है, जो लेक्चर वन है, इसका हमारा टॉपिक है मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेटस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स अमंग वेरियस सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन। मीन्स हमें ये समझना है कि हमारा जो कॉमर्स विषय है या वाणिज्य विषय है, उसका अर्थ क्या है, उसकी क्या अवधारणा है, देन उसकी प्रकृति कैसी है, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हम इस चीज़ को, कॉमर्स को यूज़ करते हैं या कॉमर्स को पढ़ते हैं, इसके अलावा क्या जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनसे ये कैसे कोरिलेट करता है, या दोनों के बीच में या अलग अलग विषयों के बीच में क्या कोरिलेशन है कॉमर्स से, जो भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या अलग अलग विषयों में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है या महत्ता है, ठीक है। देन सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। मीनिंग में कॉमर्स क्या है, व्हाट इज़ कॉमर्स, यानी वाणिज्य क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं, ये मीनिंग लगाते हैं कि कॉमर्स क्या है, एक बिजनेस है। बिजनेस शब्द कॉमर्स में शामिल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बिजनेस कह देने से वो कॉमर्स हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कॉमर्स इज़ द कंडक्ट ऑफ ट्रेड अमंग इकोनॉमिक एजेंट्स। कॉमर्स एक तरीके का एक ट्रेड है, या कहें एक व्यवसाय है, जो कि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जनरली कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज आर समथिंग्स ऑफ वैल्यू बिटवीन बिजनेसेस आर एंटिटी। मींस कॉमर्स इस रूप में लिया जाता है, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हम जो हमारी वस्तुएं हैं या हमारी जो सेवाएं हैं, या फिर हम कुछ भी किसी भी वस्तु का लेन देन करते हैं या अदला बदली करते हैं, और ये एक तरीके के बिजनेसेस में या व्यवसाय में या फिर किसी संस्था के द्वारा अगर सर्विसेज या वस्तुओं का अदला बदली की जाती है या एक्सचेंज किया जाता है, तो उसे हम कॉमर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, एज अ कॉमर्स कह सकते हैं, ठीक है, वाणिज्य के रूप में देख सकते हैं। फ्रॉम अ ब्रॉड परस्पेक्टिव, नेशंस आर कंसर्न विद मैनेजिंग कॉमर्स इन अ वे दैट इन्हेंस द वेल बींग ऑफ सिटीजन्स। मीन्स कि अगर एक ब्रॉड परस्पेक्टिव में देखें, अब चूँकि हम लोग डेली लाइफ में भी कॉमर्स का प्रयोग करते हैं, हम लोग भले ही हम बिजनेस नहीं करते या व्यवसाय नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं किसी शॉप पे, अगर कुछ एक पेन भी खरीदते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। अगर हमारा शॉपकीपर है और वो प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे वाणिज्य का ही एक हिस्सा है या पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, तो जो देश है वो इस चीज़ से कंसर्न रखता है कि जो कॉमर्स है वो हमारी क्या करती है, मानव जाति की भलाई के लिए। मींस कि किस तरीके से, जैसे कि अगर हम देखें कि जो सरकार है,
उस सरकार की बहुत सारे हर साल उसका एक बजट आता है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ से हमें इनकम हुई है, कहाँ हम कितना पैसा स्पेंड करेंगे, कैसे हम पब्लिक पब्लिक प्रॉफिट के लिए या पब्लिक की सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे, हेल्थ में कितना वो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या फिर अलग अलग एग्रीकल्चर में कैसे, या एजुकेशन के लिए हम कितना पैसा खर्च करेंगे। तो एक तरीके से मतलब इस तरीके की जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो कोई फाइनेंशियल चाहे वो कोई सर्विस हो या फिर वस्तुओं का आदान प्रदान हो, वो सारी हमारी कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड प्रोड्यूसिंग बेनिफिशियल गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स कि अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो भारत सरकार है हमारे लिए अलग अलग तरीके की जो वस्तुएं या जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, जैसे हेल्थ सर्विसेज हैं, जगह जगह पे सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, शिक्षा पे खर्च करती है, तो ये जो देश की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें जो हुए वो कॉमर्स के अंतर्गत या वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें, एक परिभाषा, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेंसन, कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर इंगेज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, ट्रेड, प्लेस, ट्रांसपोर्ट्स एंड इंश्योरेंस एंड टाइम, वेयर हाउसिंग इन द एक्सचेंज, बैंकिंग ऑफ कमोडिटीज़। यहाँ पे देखिए, कॉमर्स एक ऐसी उन सारी एक्टिविटीज़ या उन सारी प्रक्रियाओं का एक टोटल है, एक समग्र रूप है, जो कि हमारी असुविधा को दूर करने के लिए, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन की असुविधा को दूर करने के लिए या व्यक्तियों की असुविधा के दूर करने के लिए की जाती है। ठीक है, अब जो पर्सन है, अगर ट्रेड ट्रेड कहें, जो हमारा व्यवसाय है, व्यवसाय की गतिविधियों में अगर कोई हिंड्रेंस आता है या कोई रुकावट आती है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के दौरान हम चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उससे प्रोडक्शन करते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देन प्लेस, और फिर उस जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी उसको भेजते हैं। तो ये भी चीज़ें, और उसकी सुरक्षा के लिए जो हम इंश्योरेंस या बीमा प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमारे कॉमर्स के अंतर्गत आता है। एंड टाइम, यानी कि वेयर हाउसिंग, यानी कि जो भी सामान हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी जो सप्लायर्स होते हैं वो अपना सामान बना करके, ऐसे तो नहीं है कि जो बनता जाए वो बिकता जाए, है ना, वो काफ़ी दिन तक स्टोर भी हम करते हैं, तो वेयर हाउसिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं या जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हमारी कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। अब एक्सचेंज, जैसे बैंकिंग, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, मनी से मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इस तरीके की जो कमोडिटीज़ हैं वो सारी, वो ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं या वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। जनरली ट्रेड एंड कॉमर्स आर टेकन एज सिनोनिम्स वर्ड, जो ट्रेड है यानी कि व्यवसाय और कॉमर्स वाणिज्य, सॉरी, जो व्यवसाय और कॉमर्स है उसको सिनोनिम्स के तरह प्रयोग किया जाता है, जबकि ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड जो है व्यवसाय में सिर्फ जो है वस्तुओं का की बिक्री और खरीद, यानी कि उनकी खरीद और बिक्री को शामिल किया जाता है व्यवसाय। जैसे आपके कोई जाने वाले हैं या कोई भी व्यक्ति है, वो जो व्यवसाय करता है उसमें क्या करता है, वो चीज़ों को खरीदता है। किसे खरीदता है, प्रोड्यूसर से, जो वो बनाता है वहाँ से खरीदता है और अपने कंज्यूमर्स का या कस्टमर्स को बेचता है। तो व्यवसाय में सिर्फ ये वस्तुओं की जो है बिक्री और खरीद ही शामिल होती है, जबकि जो कॉमर्स है, वाणिज्य है, वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा ट्रेड भी शामिल रहता है, एक वाइडर मीनिंग है। कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड्स, यानी कि कॉमर्स में हमारा व्यवसाय तो शामिल ही शामिल है, उसके अलावा जो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसमें हमारा जो जो चीज़ें हैं व्यवसाय को विस्तृत करने के लिए, यानी कि व्यवसाय हम किस लिए कर रहे हैं, कि कौन से मीन से कर रहे हैं, यानी किन माध्यमों से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे कॉमर्स में
या ट्रेड से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें हमारी कॉमर्स में शामिल होती हैं। यानी कि व्यवसाय करने में जो जो चीज़ें सहायता करती हैं वो भी हमारे कॉमर्स में इंक्लूड रहती हैं। बिसाइड ट्रेड इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ विच हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, है ना। देन द एड्स टू ट्रेड इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। मीन्स अगर एड्स ऑफ ट्रेड की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यवसाय को और उन्नत बनाती हैं और अच्छा बनाती हैं, तो उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट है, यानी कि सामान को लाने ले जाने की सुविधा, उनकी वो एक्टिविटी लाने ले जाने की, कैसे पहुंचाएंगे, किस तरीके से, कितना भाड़ा खर्च होगा, क्या है इस तरी, और उसके अलावा बैंकिंग, बैंकिंग में हम करेंसी का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, कितने में सेलिंग कर रहे हैं, कितने में परचेजिंग कर रहे हैं, तो मनी का पूरा जो उपयोग है वो भी। उसके अलावा इंश्योरेंस, अपनी अपनी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए, अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए हम लोग इंश्योरेंस जो करते हैं वो भी हमारे वाणिज्य में, यानी कि एक तरीके से व्यवसाय में, व्यवसाय को उन्नत बनाने के लिए हमारा इंश्योरेंस प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब जो स्टोरेज होता है, स्टोर हाउसेज होते हैं, यानी कि किस तरीके से अपने सामान की सुरक्षा की जाए, कहाँ पर उसको स्टोर किया जाए, तो ये। और एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट जो हमारे आप लोगों देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो हर चीज़ के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रचार आते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं टीवी पे तरह तरह के, तो वो टीवी हो चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे कोई भी अदर मीडिया हो, इंटरनेट हो, इस तरीके की सारे मीडिया पे हमें किस तरीके से प्रचार करना है, उस पे कितना खर्चा करना है, किस तरीके से अपने सामान को या उसको प्रमोट करना है, उस तरीके की एक्टिविटीज़ भी कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। और सेल्समैनशिप यानी कि अपनी सेल्स को हम कैसे इंक्रीज़ करें, और हमारा काम क्या होता है, हमारा जो मेन मोटो होता है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इन सारी क्रियाओं का टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाना। तो हम अपने लाभ को कैसे कमा बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करके। तो सेल्समैनशिप भी एक तरीके से हमारे कॉमर्स या वाणिज्य का हिस्सा होती है, ठीक है ना। देन नेचर ऑफ कॉमर्स, अब मैंने बताया कि जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा एक व्यवसाय किया जाता है या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी एड्स प्रयोग किए जाते हैं या जो भी उसकी सहायता के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारी कॉमर्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कॉमर्स इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स को एक बिजनेस के पार्ट के रूप में या अंश के रूप में देखा जाता है। इट इज़ दैट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स एक ऐसी एक्टिविटी है वाणिज्य जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस से कंसर्न रखती है, किससे, सिर्फ जो चीज़ें हम एक्सचेंज करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनकी हम अदला बदली करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उन्हीं से संबंधित होती है, ठीक है। द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कॉमर्स, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पे हम कॉमर्स के नेचर को या वाणिज्य की प्रकृति को समझ सकते हैं। जैसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर टेकन अप विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, मीन्स जिसमें मुद्रा का इन्वॉल्वमेंट हो, अगर हम इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारी कॉमर्स से संबंधित होती है। जैसे हम कोई सामान खरीदने गए हैं या सामान लेने गए हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पे पैसे मनी देते हैं, तो इस तरीके से जो भी हम गुड्स या सर्विसेज लेते हैं कहीं बाहर से और उसके बदले में अगर मनी हम खर्च कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो हमारी कॉमर्स एक्टिविटी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। और मेन जो एक्टिविटी का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाना, लाभ कम। देन सेकंड है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमर्स के अंतर्गत अगर हम किसी सुविधा या सेवा या उस वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो फिर वो क्या होगी, कॉमर्स अदला बदली हो रही है, तो वो क्या होगा, हमारा कॉमर्स एक्टिविटी होगी। कॉमर्स इन्वॉल्व एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, मीन्स अगर हम सेवार्थ, जैसे हम धर्मशाला में गए और हमने खाना खाया, एक गुरुद्वारा में गए हमने लंगर में लंच
लंगर का खाया, तो वो हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, वो हमारा कॉमर्स नहीं है। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, अगर हम कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं या गुड्स या सर्विसेज की एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट इन्वॉल्व रहेगा, या फिर कंज्यूमर का या फिर प्रोवाइडर का, ठीक है, या सप्लायर का। सप्लायर क्या करता है, अपनी सर्विसेज देता है, अपने गुड्स को देता है प्रॉफिट कमाने के लिए, और जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी यूजिबिलिटी के लिए जो है वो चीज़ें वस्तु के बदले में जो भी वो प्रोवाइड करें, ठीक। उसके बाद है अर्निंग मोटिव। जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनका जो मोटिव होता है या जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अर्निंग, यानी कि कमाना। अब लाभ कमाना तो है ही उद्देश्य, उसके साथ साथ अब अगर कोई शॉपकीपर आपको सामान दे रहा है तो उसके बदले में आप उस सामान की जो भी कीमत होती है वो उसको चुकाते हैं। द मोटिव फॉर अंडरटेकिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट इज़ एन इंसेंटिव आर रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। मीन्स अगर हम कॉमर्शियल एक्टिविटी कोई कर रहे हैं तो एक तरीके से जो प्रॉफिट है हमारा, अगर हम 40 रुपये का सामान 41 में 42 या 45 में बेच रहे हैं तो 5 रुपये क्या है, हमारे लिए एक रिवॉर्ड है, एक इंसेंटिव है, जिसके लिए हम ये एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं, ठीक है ना। देन तो एक जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है या कॉमर्स का नेचर कैसा होता है, अर्निंग टाइप का होता है, यानी कि हम इसमें कहीं ना कहीं इनकम की बात करते हैं, ठीक है। देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कॉमर्स क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी इन गुड्स। कॉमर्स क्या करता है, वाणिज्य क्या करता है कि इस तरीके का माहौल बनाता है कि किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु या उसकी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए समय और स्थान, खास करके समय और स्थान का को प्रोवाइड करता है, समय और स्थान को, कौन सी वस्तु कहाँ पर देनी है, कौन सी वस्तु किस जगह पे देनी है, किसको देनी है, ये चीज़ें जो है वो कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। द गुड्स में नॉट बी कंज्यूम्ड एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स जैसे जो सामान जहाँ पे, अब मिल्क डेयरी में मिल्क बनता है, ठीक ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मिल्क डेयरी में ही सामान वो क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, वो कहाँ पे, वो मार्केट में आएगा, मार्केट में लोग जा कर के उसको बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे, तभी तो उसका यूज़ होगा ना। तो सही समय और सही प्लेस पे इन चीज़ों का उपयोग कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। अब डेयरी से मिल्क प्रोड्यूस होकर आया और वो शॉप पे आया और शॉप से लोग ने परचेज़ किया और उसका उपयोग किया, तो ये क्या हो गया, सही समय और सही प्लेस, तो इसका निर्धारण भी क्या होता है, कॉमर्स के अंतर्गत किया जाता है। दीज मे बी नीडेड एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक, तो ये अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं, अलग अलग जगहें हो सकती हैं। देन है रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, मींस कॉमर्स जो है, कॉमर्स के अंतर्गत जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरीके की, उनमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमेशा रेगुलर बेसिस पे होती हैं, आज हुआ कल नहीं हुआ तो वो कॉमर्स नहीं है। द ट्रांजैक्शन शुड बी रेगुलर, नो आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन विल बी अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, मींस जो छूट गया है या जो हो ही नहीं रहा है, आज आपने एक किसी शॉप छोटी सी शुरू करी और फिर आपने एक महीना करी उसके बाद बंद कर दिया, तो वो कॉमर्स नहीं है। मींस कहने का मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी जो भी रेगुलर मोड पे हो रही है या फाइनेंशियली जो कनेक्टेड है या गुड्स या सर्विसेज जो रेगुलर मोड पे प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, तो वो हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी और वो कॉमर्स के अंतर्गत आएगी। उसके बाद देखते हैं स्कोप ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स हैज़ अ वाइडर स्कोप, इट डील्स विद नॉट ओनली द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो विद द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़। मीन्स कॉमर्स क्या है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइडर है, ये केवल गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज से ही रिलेटेड नहीं है, ये केवल उन एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं कि जब हम सामान लेने गए और सामान उसके बदले में जो भी हमने दिया, पैसा दिया या कोई सामान दिया,
सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं, इसके साथ साथ ये क्या होता है कि जो हमारी सेल हो रही है या बिक्री हो रही है, शॉपकीपर क्या चाहेगा कि हमारा सामान अच्छे से अच्छा बिके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बिके, हमारी बिक्री ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा बिक्री होगी, जितनी ज़्यादा सेल होगी, उतनी ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो मेकिंग प्रॉफिट, ये एक्टिविटी क्या होगा कि प्रमोशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, जो ट्रेड है हमारा उसको डेवलपमेंट यानी उसको बढ़ाने के लिए, उसके अलावा उसका प्रमोशन करने के लिए, और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, चाहे वो सामान की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो या जो है वैरायटी में बढ़ोतरी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वेरियस ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स विल हैव टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। अगर कॉमर्स की अलग अलग ब्रांच से, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, इस तरीके की जितनी भी हमारे ट्रेड है ना, इन ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली समझना ही कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग करना है। ठीक है, द स्टडी ऑफ ट्रेड विल इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉरेन ट्रेड। जो ट्रेड है यानी कि जो व्यवसाय है, जो मुख्य एक आधार है हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का या कॉमर्स का, वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड जब क्या कहते हैं इंक्लूड होता है उसमें, जो व्यवसाय है या ट्रेड है वो दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। जब हम अपने देश के ही अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज करते हैं या उनकी सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है। यानी कि अगर हम वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या अदला बदली जो है वो अपने देश के अंदर किसी देश की सीमा के अंतर्गत ही करते हैं, तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है। जबकि जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है उसके अंतर्गत हम लोग अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को या वस्तु या सेवाओं को क्या करते हैं, अपने देश की सीमा के बाहर दूसरे देशों को भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग आजकल इंटरनेशनलिज्म कहते हैं, यानी कि वैश्वीकरण। आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सामान्य वस्तुएं बनाती हैं, वो केवल अपने देश में ही ना रहकर विदेशों में भी, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्लॉथ्स हैं, अदर जो डेली यूज़ थिंग्स हैं वो सब हमारी बाहर से मंगाते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ये प्रोसेस है या एक्टिविटी है वो भी हमारी कॉमर्स के अंतर्गत आती है। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, मर्केंटाइल एजेंट्स एसोसिएट्स विद ट्रेड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी होलसेल यानी कि जो थोक विक्रेता हैं या फुटकर विक्रेता हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या होती हैं, कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक, द फॉरेन ट्रेड विल बी कंसर्न विद द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन सच ट्रेड। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड होता है उसको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन विदेशी व्यापार जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसमें हम आयात और निर्यात से संबंधित सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंतर्गत। वो टैक्सेशन भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, कस्टम ड्यूटी भी हो गई, जो इस तरीके की एक्टिविटी हैं जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहता है, आर्थिक क्रियाओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो हमारे कॉमर्स से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो कॉमर्स का स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉडन है, मीन्स केवल हम व्यवसाय को लेकर के ही ना चलें, इसके क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मींस जो भी एक्टिविटीज़ हम देश के अंदर रह करके अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके या उनका लाभ उठा करके जो भी करते हैं, वो हमारी सारी एक जो है वो कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। देन हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कॉमर्स रेंडर्स एन इम्पॉर्टेंट सर्विस इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वाणिज्य के अंतर्गत हम उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं जो कि किसी वस्तु के निर्माण से लेकर के उसके वितरण तक की क्रियाओं का, वितरण तक की जो एक्टिविटीज़ हैं शामिल करता है। तो जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन कैसे करना है,
प्रोडक्शन किस प्रकार से करना है, क्या कॉस्ट लगेगी, या उनमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन उनका कैसे होना है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कैसे हम चैनलाइज कर करके प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से जो स्थानीय विक्रेता हैं, तो इस तरीके से हम कैसे चीज़ों को सेल आउट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। और इन सारी चीज़ों का अगर हम बेहतरीन तरीके से अध्ययन करें तो कॉमर्स के अंतर्गत कर सकते हैं। द गुड्स प्रोड्यूस नॉट ओनली ए डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज आर मेड अवेलेबल टू द यूजर्स विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। मीन्स कि इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के द्वारा या कॉमर्स के द्वारा ही हम अपनी वस्तुओं को केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि अपने स्थानीय बाज़ारों में ही नहीं बल्कि हम विदेशी बाज़ारों में भी उसका विनिमय कर सकते हैं, उसका एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इट हैज़ इनेबल कंट्रीज आर एरियाज टू कंसनट्रेट इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स फॉर विच दे आर स्पेशलाइज्ड। मीन्स कॉमर्स जो है वो एक तरीके से हेल्प करती है कि कौन सा एरिया या कौन सी कंट्री किस चीज़ को उत्पादित करने में ज़्यादा सक्षम है तो उस चीज़ का उत्पादन करें और फिर उस चीज़ का वो करें। जैसे हमारे यहाँ जो है वो चीनी ज़्यादा होती है, गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है तो हम बाहर चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक ना। तो इसी तरीके से जो कॉमर्स है ये भी हमें बताती है कि हम किस चीज़ का उत्पादन अधिक मात्रा में करें और कहाँ कहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें या उसका जो है सेल आउट करें और फिर उससे फ़ायदा ले सकें, ठीक है। अब आप चूँकि हम लोग एक पेडागोजी सब्जेक्ट के अंतर्गत हैं तो हम ये भी देख लें कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, जो कॉमर्शियल एजुकेशन है या जो व्यवसायिक सॉरी वाणिज्य शिक्षा है उसका क्या महत्व है। तो वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत हमने अभी तक देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रेड है, बिजनेस है या उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं या प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सेटिस्फाई इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स इंक्रीज आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं जिससे कि आवश्यकता जो है वो बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ उसकी पूर्ति होती जाती है वैसे ही उनकी और बढ़ोतरी होती जाती है। तो ये क्या करता है, कॉमर्स के द्वारा हम ह्यूमन वांट्स जो बढ़ती हुई जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसके अलावा इंक्रीज अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कॉमर्स के द्वारा कौन सी चीज़ हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को या जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, ठीक है। अगर हम व्यवसाय करते हैं, मान लीजिए हम बेरोजगार हैं तो हमारा रहने का, हमारा खाने पीने का, हमारा पढ़ने का, हमारे शिक्षा का वही स्तर होगा, हम बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर आप बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट आप ज़्यादा अर्न करते हैं, ठीक, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को और स्टैंडर्ड बना सकते हैं, ठीक। तो एक तरीके से ये जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है या कॉमर्स है वाणिज्य हमें एक तरीके से हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इनक्रीज़ करने में सहायता करता है। उसके बाद लिंक्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। अब देखो अगर हम सामान बनाएं और उसका कोई उपयोग करने वाला ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, मींस आपको लॉस ही होगा। तो जो कॉमर्स है, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करती हैं कि अपने सामान को कहाँ कैसे बनाना है और फिर उसको कहाँ पे हमें बेचना है, तो एक लिंक प्रोवाइड करती हैं। देन जेनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो नई नई जो एम्प्लॉयमेंट या रोजगारी जो अवसर हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं। अब भाई आपने एक दुकान पे बिजनेस शुरू किया किसी चीज़ का, तो आपको एक हेल्पर चाहिए, आपको एक अकाउंटेंट चाहिए, आपको एक सामान लाने ले जाने वाला चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरीके से जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है या कॉमर्स है वाणिज्य से संबंधित जो भी प्रोसेस है उसमें हमें कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराती है। देन है इंक्रीज नेशनल इनकम एंड वेल्थ,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा जो है वो अगर हम टैक्स देते हैं तो सरकार का फ़ायदा होता है, यानी कहीं ना कहीं हम अपने देश की सेवा करते हैं। हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस पर हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देते हैं, GST देते हैं। तो ये जो भी हम टैक्स पे करते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा या नॉर्मल सिटीजन्स के द्वारा, नागरिकों के द्वारा अपने देश हित में दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इनकम को इनक्रीज़ करता है और उससे फिर देश का विकास होता है। देन एक्सपेंशन ऑफ एड्स टू ट्रेड मीन्स कॉमर्स के द्वारा हम अपने व्यवसाय को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए उनमें कई सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। मीन्स जो ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो भी एड्स होती हैं या जो सुविधाएं होती हैं उनका भी उनमें क्या होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है कॉमर्शियल। अब जैसे मान लीजिए आपने एक स्कूटी की एजेंसी शुरू की, आप स्कूटी बेचने की एजेंसी ले ली, तो एजेंसी जब आप लेंगे तो आपके पास कुछ गाड़ियां होनी चाहिए। जब गाड़ियां मंगाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, है ना? आप चाहेंगे कि कम से कम ट्रांसपोर्ट हो और जो हमारी हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें, ज़्यादा दिन तक हमारे पास सामान स्टोर ना हो या जो भी स्कूटी हम ले रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक हमारे पास, क्योंकि नया वर्जन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या होता है कि उससे संबंधित एडवर्टीजमेंट आप करेंगे अपने उसका। इसके अलावा जैसे ट्रांजैक्शन करना है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपने एक स्कूटी सेल आउट करी तो उसको आप चाहेंगे कि बैंक से ट्रांजैक्शन हो या कैश में हो, जैसे भी हो। तो इस तरीके से जो ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ है उनमें क्या होता है, बढ़ोतरी होती है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के द्वारा। देन है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, अब चूंकि हमारा जो कॉमर्स है या विषय ही ऐसा है जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से या इंडस्ट्रियल डेवलप एक्टिविटीज से संबंधित है, तो जैसे जैसे हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारा इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट है या इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी ग्रोथ करेगा। देन इनकरेजेज इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। मीन्स कॉमर्शियल, मान लीजिए हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, तो इससे क्या होता है, साथ साथ हमारे अदर कंट्रीज़ के द्वारा अच्छे संबंध भी बनते हैं, जिससे कि इमरजेंसीज़ के दौरान कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि दवाएं जो हैं वो भारत के द्वारा किसी दूसरे देश को दी जा रही हैं या दूसरे देश के द्वारा भारत को सहायता प्रदान की जा रही है। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है, उसको बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कॉमर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो कॉमर्स विषय है, कॉमर्स है या वाणिज्य विषय है, उसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। चूँकि यह टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था इसलिए मैंने इसके साथ इंक्लूड नहीं किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अन्य विषयों के साथ कॉमर्स का क्या उपयोग है। ठीक है, थैंक यू।